तो आज हम बनाने वाले 2 आलू और एक सूजी से एक नया नाश्ता जिसे बच्चे बड़े सभी मांग कर खाएंगे। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी तो प्लीज आखिरी तक देखना है और कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पर हमने लेने बारीक वाली सूजी, यदि आपके यहाँ पे मोटा सूजी होगी तो उसे मिक्सर के जार में पीस लेना है। और यहाँ पे हमने आलू को पहले उबाल लिया था और ठंडा होने के बाद ही छिलका निकाल लेना है। ये तरीका करने से क्या होता है, आलू में थोड़ा भी पानी नहीं होता। अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने उबाल लिया है, अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने पैन ले लेना है। अब जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हमने पानी लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप जितना पानी डालना है, 1.5 कप ही डालना है बस। हाँ दोस्तों, जिस कटोरी से नाप ले रहे ना उसी कटोरी से सारा मेजरमेंट हमने ले, तभी हमारा जो स्नैक एक नंबर बनता है खाने में। अब यहाँ पे डाल देते हैं अजवाइन। अब यहाँ पे डालेगा आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। जो सूखी वाली मिर्ची होती है दोस्तों उसे दरदरा पीस लेना, इस तरीके से चिली फ्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है। सूखी वाली मिर्च लेनी है। आधा चम्मच यहाँ पे डाल देते जीरा। जीरे के साथ डालेंगे थोड़ा सा चटपटा स्वाद आने के लिए चाट मसाला। जो चाट मसाला डालते हैं ना तो स्नैक में एक बढ़िया सा स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हाँ दोस्तों, जो हम लोग स्नैक बना रहे इसमें जो सामग्री बहुत ही कम लगती है और घर के मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे डालेंगे 1.5 चम्मच जितनी तिल। तिल से जो क्रंचीपन बहुत ही अच्छा आता है, स्वाद भी एक नंबर आता है। अब इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। जो भी हमने सामग्री डाली थी पानी के साथ घुल जाए। अब यहाँ पे पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, आप देख सकते हो। जैसे अच्छी तरह से पानी में उबाल आ चुका है तो पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का सा येलो दिख रहा है ना आपको, तो इससे समझ आता है कि पानी में अच्छी तरह से मसाले घुल चुके हैं। अब जो सूजी हमने ली थी वो लेना है। अब गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी कर लेनी है क्योंकि जैसे जैसे हम सूजी डाल के इसकी गुठली नहीं होनी चाहिए। और एक जगह चमचा चलाते रहना है और सूजी डालते लेना है। हाँ दोस्तों, रेसिपी आपको हमारी ये कैसी लगी तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे धीमी गैस मैंने कर ली है और इसे अच्छी तरह से चला लेना है। यहाँ पे सूजी का गुठली थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से डो के फॉर्म में आ चुका है और हमारी सूजी में थोड़ी भी गुठली हुई नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम परफेक्ट कुक हो चुकी है। अभी चमचे में जो चिपका था सूजी वो निकाल लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छी तरह से इसे कुक करना है। यदि कच्चा रहेगा फिर हम जो स्नैक बनाएंगे फिर वो ऑयल पी जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। एकदम परफेक्ट डो के फॉर्म में आ चुका है इस तरीके से। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने को रख देते हैं, तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 आलू लेने उबले हुए हमने पहले उबाल के रखा था। अब यहाँ पे ग्रेटर लेना है, वो आलू को हमने ग्रेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आलू की थोड़ी भी गुठली यहाँ पे चाहिए नहीं। तो इस तरीके से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, सही में आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और घर पे जरूर बनाएं। बच्चे और बड़े सभी मांग कर खाएंगे। एक बार ये तरीके से बनाओगे ना तब। तो यहाँ पे दोनों आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अभी सूजी देख लेते हैं ठंडी हुई क्या नहीं। अब जो सूजी हमने बना के रखी थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखा था इसमें हमें डाल देना है। आलू से जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए यहाँ पे उबाल के आलू हमें डालना है। अब यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया कटा हुआ। और अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जितना तेल, थोड़ा ही डालना है, ज्यादा नहीं। 1 चम्मच छोटा वाला चम्मच जो हम नाश्ते में खाते हैं ना वही चम्मच लेना है। अब इन सारी सामग्री को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक अच्छी तरह से मिक्स कर, जब तक कि डो हमारा एकदम चिकना ना बन जाए तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे डो को हमने अच्छी तरह से मसल लिया और डो को हमने अच्छी तरह से चिकना भी कर लिया है। मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब करेंगे मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने पॉलीथीन लेना है। जो घर में हमारी होती है ना पॉलीथीन, जो किराना हम लेके आते हैं तो पॉलीथीन बच जाती, तो वही पॉलीथीन लेना है। इसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। हल्का सा यहाँ पे ऑयल लगा लेती हूँ, डो हम डालेंगे तो चिपके ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे डो ले लेते हैं और इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ, इसके ऊपर पॉलीथीन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी बेलन ले लेना है और बेलन के सहायता से इसे बेलते जाना है। थोड़ा मोटा बेलना है, पतला ना बेले, इस बात का ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमें हल्का हल्का बेलते जाना है। यदि आप पॉलीथीन नहीं लोगे डायरेक्ट चॉपर पे बेलोगे तो चिपक जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने पॉलीथीन पे लेना है। ये चिपकता नहीं, कुछ भी नहीं, और आसान तरीके से निकल भी जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा हमें मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला ना बेले, इस बात का ध्यान देना है। पॉलीथिन लगाने से एकदम आसान तरीके से बेलकर हो जाता है, ज़्यादा समय लगता नहीं, कुछ भी नहीं। अभी आप देख सकते हो किनारे किनारे में दरार है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग बाद में फिनिशिंग के साथ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसे मैंने हल्का सा मोटा बेल लिया है। अभी यहाँ पे मैं पॉलीथिन खोल के बता देती हूँ, देख सकते हो। अभी इसे हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे दबा लेते हैं, यानी एकदम राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने किनारे सारे दबा ली और साइड में आपको बता देती हूँ इस तरीके से साइज है, थोड़ा मोटा हल्का सा भी इसे बेल लेती हूँ, थोड़ा भी फिनिशिंग आ जाएगी ना, इसलिए। अब यहाँ पे हमने चाकू लेना है, चाकू के साथ इसे स्क्वायर में कट कर लेना है, छोटी छोटी साइज करना है। यदि आपके पास पिज्जा कटर हो तो पिज्जा कटर से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से एक इंच की दूरी पे हमें इसे कट करते जाना है। अब यहाँ पे मैंने एक इंच की दूरी पे कट कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी जो साइड के जो किनारे आप देख रहे हो दरार है ना, तो इसे और कट कर लेना है और इसे वापस लुई में बेल लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ और इसे बीच में से भी कट कर लेती हूँ। यदि आपको स्टिक छोटी या बड़ी चाहिए तो आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ साइड वाले किनारे को, और दूसरी लुई में मैं इसे बेल के वापस इस तरीके से स्टिक बना लेनी है। अभी यहाँ पे आपको एक स्टिक लेके बता देती हूँ, देख सकते हो कितनी बढ़िया से हमारी स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अभी एक जगह हमने ऑयल गर्म करने को रख लिया, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, मैंने चेक भी कर लिया है। हाँ दोस्तों, गर्मा गर्म ऑयल चाहिए, ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक एक स्टिक लेते जाना है और इसमें डालते जाना है। यदि ठंडा ऑयल होगा तो फिर स्टिक हमारी ऑयली ऑयली बन जाएगी, इस बात का ध्यान देना है। गर्मा गर्म ऑयल में इसे डालते जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टिक डालूंगी तुरंत ऑयल के ऊपर आ गया है, इसे समझ में आता है, एकदम खस्ते और करारी हमारी स्टिक बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे सारी स्टिक यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है इसलिए, और कड़ाई भी थोड़ी मेरी बड़ी है। तो यहाँ पे इस तरीके से डालते जाना है। हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आपको हमारा रेसिपी कैसी लगी तो हमें बताना है कमेंट द्वारा। तो यहाँ पे स्टिक में डाल देती हूँ, और जैसे मैंने स्टिक यहाँ पे डाल दी इसे तुरंत टच ना करें, इस बात का ध्यान देना है। थोड़े टाइम के बाद इसे टच करिए और उलट पुलट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो अभी थोड़े टाइम के बाद इसे मैं टच कर रही हूँ, एकदम अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी फास्ट ही रखी है, अच्छी तरह से ये। अब इसे मैंने बीच बीच में उलट पुलट भी कर लिया, आप देख सकते हो अभी एक जैसे खिलखिले बन चुके हैं। हाँ दोस्तों, जब हम फ्राई करते हैं ना स्टिक तो एकदम संभाल के डालना है, नहीं तो फिर टूट जाती। मैंने घाई गड़बड़ में डाल दिया, धोखे किसी टूट गई, कोई बात नहीं, इतना तो चल ही जाता है। आप जब डालोगे तो संभाल के डालना है, और जैसे मैंने स्टिक डाल दी इसे तुरंत टच ना करें, थोड़े टाइम के बाद ही टच करें। तो यहाँ पे और इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि बबल से इसे समझ में आती है स्टिक में हल्का सा गीलापन है। बबल्स हल्की कम हो जाए तब निकालना, जब अंदर से बाहर से एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो पहले से कितनी कम बबल्स भी हो चुकी है, और हमारा जो स्टिक परफेक्ट कलर भी आ चुका है, गोल्डन एकदम परफेक्ट। अब इसे निकाल के बता देती हूँ मैं। वाव, अच्छी तरह से आवाज भी देख लेना है ना। एकदम अंदर से हल्की सी सॉफ्ट होती है और बाहर से एकदम क्रिस्पी होती है। तो इस तरीके से बाकी की सारी स्टिक फ्राई कर लेते हैं सेम टू सेम। तो बनकर तैयार हो गया हमारा एकदम आसान सा नाश्ता, 1 कप सूजी और 2 आलू से। रिजल्ट आप देख सकते हो, मैं आपको लेके बता देती हूँ। थोड़ा भी ऑयल नहीं है, थोड़ा भी नहीं, देख सकते हो एकदम बढ़िया से, और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से हल्की सी सॉफ्ट है। तोड़ के बता देते हो, आवाज देख लेना है ना। हल्की सी क्रिस्पी है, अंदर से रुई जैसे सॉफ्ट है। हाँ दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।